हेलो द फ्यूचर ऑफिसर सर, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। एफकेट एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं जीके की बात करूं, आपको पता है 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके जीके वाले सेक्शन से आते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पर्सन इन न्यूज और भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, जो कि है आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन। स्पोर्ट्स का सेक्शन जो है बहुत ईजी है और याद करने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि ये जनरली हम ये स्पोर्ट्स वगैरह की चीज सब देखते हैं तो हमें बेसिक आइडियाज होता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स सेक्शन को मैं रिक्वेस्ट आप सभी से ये करूंगा कि कम से कम आप 2 बार या 3 बार जो है आपके एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आने ही आने हैं आपके, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो, ज्योग्राफी पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो उसमें शॉर्ट शॉर्ट नहीं कि क्वेश्चन आप सोल्व कर ही दोगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ही आप कर पाओगे, बट स्पोर्ट्स के अंदर जो है चांसेस ज्यादा है आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ इजिली, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के शुरुआत से कंप्लीट सभी स्पोर्ट्स को हम देखेंगे, जो जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। पेपर का एनालिसिस पहले मैं बताऊंगा कि इसके स्पोर्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हम देखेंगे, ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स सब देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गेम है जिनको हम इनडेप्थ पढ़ेंगे, जैसे कि आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओलंपिक्स के बारे में। अब देखो, ओलंपिक्स जो है आपके 2020-21 के अंदर अभी कंप्लीट हुए, क्योंकि पता है आपको कोविड आ गया था लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से जो है इनको एक साल जो है एक्सटेंड किया गया, बट इनका नाम जो है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही रखा गया था, ठीक है। तो ईयर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओलंपिक्स से जो है एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली जो है खत्म हुए थे आपके ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था भारत का, तो शायद एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, और कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो सब हम देखेंगे इसमें। और एक चीज और ध्यान रखनी है, टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा जो जो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर और स्पेशली हम थोड़ा सा फोकस देंगे, ताकि जहां से इन फ्यूचर में भी कभी भी आपका कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका सोल्व हो सके, ठीक है। तो ओलंपिक के बेसिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ओलंपिक का आप देखोगे, झंडा देखोगे तो उसमें 5 कलर के इस तरीके के जो है रिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो येलो कलर जो है एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर जो है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियानिया को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर जो है आपका अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, और आपको ब्लैक कलर का जो है गेस करना है और ये ढूंढना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ओलंपिक के इफेक्ट में देखिए, कई बार पूछ रहे थे कि सबसे पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था, ठीक है, वुमेन ने कब जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कौन से गेम में जो है मोटो क्या है इसका, इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने सब यहाँ पे लिखे हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम की जो शुरुआत हुई थी वो आपको याद रखना है। सबसे पहला ओलंपिक गेम जो 1896 में हुआ था एथेंस में, ठीक है, ये ग्रीस में एक जगह है जहां पे आपका सबसे पहला ओलंपिक हुआ था। ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है इनस्पाइट ऑफ किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जब से शुरू हुआ तो था, उसके बाद हर बार जो है 4 साल में इन गेम को कराने का जो है प्रावधान है इसके बाद से। और जो रिंग जो होती है, आपने जो 5 रिंग अभी आपको आपने देखी है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया और अमेरिका, ये 5 कॉन्टिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो ब्लैक रिंग का मतलब क्या है आपका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हर एक कॉन्टिनेंट के लिए एक एक रिंग ली गई। आप एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि बताओ येलो कलर किसको सिंबलाइज करता है, ऐसा नहीं है, कंप्लीट जो है आपको पता होना चाहिए 5 कॉन्टिनेंट के लिए है आपका ये, ठीक है। उसके बाद द ओलंपिक फ्लैग वो क्रिएटेड इन 1914 में जो है ओलंपिक फ्लैग आपका बनाया गया था ये, और पहली बार जो है इसको एंटवर्प ओलंपिक गेम्स 1920 में जो है यूज किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बार जो है ओलंपिक फ्लेम आपने देखी होगी, एक मशाल जो जलती है ओलंपिक की, एम्स्टर्डम गेम 1928 के अंदर जो है हमको लाया गया था। और ओलंपिक का जो मोटो है CTS, LTS और 40S, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर जो है ये मोटो है आपका। पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि आपका ओलंपिक का मोटो क्या है, तो याद रखना है CTS, LTS एंड 40S, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सबसे पहले वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड ओलंपिक गेम आपके हुए थे 1900 में, तभी जो है दूसरे गेम्स के अंदर ही जो है वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ओलंपिक का म्यूजियम आपसे पूछ सकते हैं, तो लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर ओलंपिक का म्यूजियम है, आपको पता होना चाहिए। और ओलंपिक फ्लेम को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, जेन विल्स ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4-5 फैक्ट है, 2-3 बार पढ़ोगे आपको इजिली जो है ये याद हो जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 चीजें मैंने लिखी हैं, यहाँ पे इंडिया के फैक्ट जो हैं आपके, और ये जो है इंडिया के विनर्स जो हैं ओलंपिक्स के अंदर अलग अलग मेडल जो लिए गए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इंडिया का जो सबसे पहला कॉन्टिंजेंट था जो ओलंपिक्स गेम्स में भेजा गया था वो 1920 भेजा गया था, आपको पता होगा उस टाइम पे जो है भारत गुलाम था, आपको पता है ब्रिटिशर्स का,
तो एंटवर्प गेम में जो है सबसे पहली बार गया था, और ये इसको पहचाने में किसने मदद की थी? सर दोराब जी टाटा, जो आपके टाटा के जो फाउंडर थे, उन्होंने जो है हेल्प की थी कि चलिए आप गेम्स में पार्टिसिपेट करिए, आपका खर्चा पानी जो होगा वो हम देंगे। ठीक है, पहला इंडियन एंथम जो है ओलंपिक में बजाया गया था लंदन ओलंपिक्स 1948 के अंदर। ठीक है, और कबड्डी को सबसे पहली बार जो है खेला गया था बर्लिन ओलंपिक 1936 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहला इंडिविजुअल मेडल जो है वो किसका आया था पूरे ओलंपिक गेम में आज तक, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जो है वो कब आया था, वो आपको याद रखना है, केडी जाधव सर का आया था रेसलिंग के अंदर 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स हुआ था और ब्रॉन्ज मेडल उनको दिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट मेडल किसको मिला था? केडी जाधव को मिला था। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? रेसलिंग से। कब मिला था? 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन एट ओलंपिक्स नीलिमा घोष जो है हेलसिंकी ओलंपिक्स सेम ओलंपिक के अंदर जो है इनको इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इंडियन हॉकी जो है 6 बार गोल्ड मेडल जो है जीत चुकी है। 1928 में पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, एम्स्टर्डम में गेम हुए थे आपके, तो उसके बाद 1956 तक जो है मेलबोर्न के जो ओलंपिक हुए थे हर बार जो है इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है इंडिया का किसमें आया था? हॉकी में आया था, एम्स्टर्डम में 1928 में जो गेम्स हुए थे। ठीक है, उसके बाद पहली इंडियन वुमेन कौन सी थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था? तो वो जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में, कन्नम मल्लेश्वरी ने, वेट लिफ्टिंग जो है इनका गेम था। ठीक है, तो फर्स्ट मेल कौन थे, फर्स्ट इंडिविजुअल पर्सन कौन थे? केडी जाधव रेसलिंग, और वुमेन कौन सी थी? कन्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर 2000 सिडनी ओलंपिक, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक के कुछ अदर फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो पहला गोल्ड मेडल जो है वो किसको मिला था? पहला गोल्ड मेडल 2008 में आपके बीजिंग के ओलंपिक हुए थे, अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग गेम से बिलोंग करते हैं उनको दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन विद टू इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स सुशील कुमार, ये जो है रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। इसके बाद फर्स्ट ये मेल हैं। अब इस वाले जो ओलंपिक ये हुए थे इनसे पहले सिर्फ ये इकलौते खिलाड़ी ऐसे थे जिसको 2 ओलंपिक के मेडल मिले हैं अकेले खिलाड़ी को, लेकिन 2020 वाले आपके टोक्यो ओलंपिक के बाद जो है पीवी सिंधु भी एक ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिनके पास 2 इंडिविजुअल मेडल है आपके ओलंपिक्स के अंदर, एक सिल्वर है एक ब्रॉन्ज है, इस बार इनको ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, याद रखना है। और पीवी सिंधु जो है उनका गेम जो है वो बैडमिंटन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फर्स्ट ओलंपिक मेडल केम टू इंडिया विच वॉज कॉलोनियल बैक इंडिया देन एट 1900 पेरिस ओलंपिक गेम्स वर नॉर्मन पिचार्ड ने जो है 2 सिल्वर मेडल जो है जीते थे। तो आपको पता होना चाहिए पहली बार जो आया था वो 1900 में आया था, लेकिन इंडियन कौन था? केडी जाधव पहले थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन अ मेडल विजेंद्र सिंह को जो है इंडियन बॉक्सर है पहले जिनको एक ओलंपिक मेडल जो है मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कोई क्वेश्चन। सबसे पहले मोटो आपको पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक्स का, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट ईयर शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट अभी रिसेंटली हुए थे तो शायद आ सकता है। ठीक है, मैस्कोट है मित्रोवा, क्रिएटेड बाय रो तंगजुकी। उसके बाद कौन कौन से गेम इस बार ऐड हुए थे? स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सॉफ्टबॉल और बेसबॉल। 2024 के आपसे ओलंपिक पूछ सकते हैं कि कहाँ होने वाले हैं, तो समर ओलंपिक 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर, 2028 के समर ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस यूएसए में, और 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स होंगे आपके चाइना और इसमें। अब देखो समर और विंटर का जो है क्या लॉजिक है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हम ओलंपिक पढ़ते हैं मेनली अभी तक आपने पढ़े होंगे ना, वो सब आपने समर ओलंपिक पढ़े हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि आपका 2008 का बीजिंग ओलंपिक था, उसके बाद 2012 का आपका जो है लंदन ओलंपिक्स था, 2016 का आपका रियो ओलंपिक्स है, 2020 का टोक्यो ओलंपिक है। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये समर ओलंपिक्स है, इनके बीच में साथ के साथ जो है आपके विंटर ओलंपिक भी चलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है 2022 का जो है चाइना में होगा। ठीक है, तो इससे पहले का आप देख सकते हो 2018 में हुए थे, ये मुझे नहीं पता है कहाँ पे हुए थे, उससे पहले 2000 आपके 14 में हुए थे, तो दो दो साल के गैप पे होते हैं। ठीक है, 8 के बाद 2010 में आपका विंटर ओलंपिक हुआ होगा, 2012 में फिर समर ओलंपिक, 2014 में फिर आपका विंटर ओलंपिक, 2016 में फिर समर ओलंपिक, 2018 में विंटर, 2020 में आपका टोक्यो समर और ये विंटर। तो इस तरीके से दो दो साल के गैप पे चलते हैं। वैसे आपको याद रखना है ओलंपिक्स के बीच जो दो ओलंपिक्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर्स का होता है। ठीक है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है इंडिया के फ्लैग बेयर थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर, बजरंग पुनिया जो है फ्लैग बेयर थे क्लोजिंग सेरेमनी में, ये ओपनिंग सेरेमनी में थे, ये क्लोजिंग सेरेमनी में थे। ठीक है, और 2020 में मीराबाई चानू को जो है सिल्वर मेडल मिला था वेटलिफ्टिंग के अंदर, और पीवी सिंधु ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मिला था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ प्लेयर, हमारे प्रोमिनेंट प्लेयर जिन्होंने इस बार मेडल जीते थे आपके ओलंपिक गेम्स के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा मीराबाई चानू का, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आपका वेटलिफ्टिंग कैटेगरी के अंदर, मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इनको डीएसपी जो है बनाया गया। ठीक है, स्टेट आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं, या तो आपसे खिलाड़ी का गेम पूछेंगे, ठीक है, या खिलाड़ी का आपसे स्टेट पूछ सकते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर है और शी बिलोंग टू मणिपुर स्टेट, राइट। देन आपके आते हैं रवि दहिया, इस बार जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है, सिल्वर मेडल इनको मिला है, रेसलिंग इनका गेम है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका लवलीना बोरगोहेन,
इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बॉक्सिंग गेम से रिलेटेड है और आसाम से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है आपके पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज मेडल इस बार इनको मिला है बैडमिंटन के अंदर, और ये इकलौती ऐसी महिला है इनको दो मेडल जो है मिल चुके हैं अभी इंडिविजुअल गेम्स के अंदर, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। देन आपके मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन है ये इंडियन क्रिकेट टीम के, सॉरी इंडियन हॉकी टीम के, और ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है पूरी टीम को हॉकी की और पंजाब से बिलोंग करते हैं। देन आपका बजरंग पुलिया रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल इस बार इनका आया है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। देन आवर गोल्डन बॉय मिस्टर नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन गेम से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के अंदर जो है ये रहते हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। उसके बाद काफी अच्छा प्रदर्शन इंडिया ने दिखाया अपना पैरालंपिक्स के अंदर भी। पैरालंपिक्स के अंदर टोटल मेडल पूछ सकते हैं कितने आए हमारे, तो 19 मेडल आए हैं जिसमें से 5 गोल्ड मेडल आपके थे, ठीक है, 8 आपके सिल्वर मेडल थे और 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि कौन सी ऐसी एकमात्र खिलाड़ी है जिसने 2 इंडिविजुअल मेडल यहाँ पे जीते हैं। तो अवनी लखेरा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक गोल्ड और एक जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, और गोल्ड किसने जीता है, सुमित अंतिल ने जो है जेवलिन में जीता है, मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता है, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में जीता है और कृष्णन नागर ने जो है बैडमिंटन में जो है जीता है, आपको पता होगा। ठीक है, और सुहास यतिराज जो है ये एक IAS ऑफिसर है और इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम थे जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की, तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता इसको छोटी छोटी वीडियोस में हम बनाएंगे, तो कॉमनवेल्थ गेम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे सीरीज को। और बिलीव मी, इस कंप्लीट वीडियो को 2-3 बार इनको देखना है, आपके जितने स्पोर्ट्स की वीडियो होंगी और आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। चलिए गाइस, अब इंडिविजुअल स्पोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिकेट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपके एपकेट एग्जाम में आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से आते हैं, मैंने जैसे आपको अर्लियर बताया है। स्पोर्ट्स में भी ना जैसे पर्टिकुलर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका आएगा ट्रॉफी से, आपको याद रखना है जितने भी गेम आपके क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल जितने भी हैं, इन सबकी ट्रॉफीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक गेम्स के हम ट्रॉफी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका ट्रॉफी से आएगा, एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स की टर्म होती है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में LBW आपने सुना होगा, स्टंप सुना होगा, डक सुना होगा, गूगली सुना होगा। ठीक है, इन वर्ड्स के ऊपर एक क्या आएगा, जैसे दे देंगे गूगली बता देंगे, ठीक है, लिख देंगे गूगली ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में दे देंगे आपको फुटबॉल दे दिया मान लो, क्रिकेट दे दिया, ठीक है, हॉकी दे दिया, इस तरीके से दो हो गए आपके। एक क्वेश्चन आपका आता है नंबर ऑफ प्लेयर से, किस गेम के अंदर कितने प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो बोल देंगे बेसबॉल में बताओ कितने प्लेयर हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है इन्हीं इवेंट्स के रिगार्डिंग, किसी भी फेमस प्लेयर का नाम बोल देंगे, बोलेंगे कि ये किस खेल से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन आपके अलग अलग आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्रिकेट के बारे में। बिल्कुल डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं क्रिकेट का। द फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज इन इंग्लैंड 1975 में, जो है पहला वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है। ICC वाज फाउंडेड इन 1909, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर पूछ ले आपसे फॉर एग्जाम्पल कि ICC का जो है फाउंडेशन कब हुई थी, तो 1909 में जो है इसका फाउंडेशन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पहला क्रिकेट का फर्स्ट मैच जो है कहाँ खेला गया था और कब खेला गया था, 1877 में पहला मैच जो है मेलबर्न में खेला गया था बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। ठीक है, BCCI कब बना था, जो इंडिया का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, वो 1927 के अंदर बना था। वर्ल्ड कप जो है 2019 वाला इंग्लैंड और वेल्स के अंदर खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने जो है न्यूजीलैंड को हरा दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है 2023 में होने वाला है, और ये कहाँ होगा, इंडिया के अंदर होगा। पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है उसका वेन्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ इस क्रिकेट गेम के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज होती हैं आपकी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ट्रॉफी ऑफ क्रिकेट कौन कौन सी है, CK नायडू ट्रॉफी है आपकी। CK नायडू बहुत इंपॉर्टेंट फेमस प्लेयर थे आपके इंडिया की टीम से, तो उनके नाम पे ट्रॉफी रखी गई है, इसको नाम है CK नायडू ट्रॉफी। ठीक है, फिर एक एनुअल एक ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी, ये बहुत फेमस ट्रॉफी है। जैसे ही आपके रणजी के बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पहले रणजी जीतते हैं, उसके बाद जो इंटरनेशनल टीम में उनको इंडक्ट किया जाता है, तो रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल जो है ये खेली जाती है। देन आपका देवधर ट्रॉफी है, देन आपका दुलूप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी और मोइनुद्दीन दौला गोल्ड कप है। ठीक है, तो इन सभी को आप जो एक दो बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं क्रिकेट के रिगार्डिंग और छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट तो है क्रिकेट का, वो है नंबर ऑफ प्लेयर। तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के अंदर टोटल 11 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राउंड होता है, जिन लोगों ने क्रिकेट नहीं देखा है ग्राउंड कभी या क्रिकेट के मैच के बारे में कोई आइडिया नहीं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट डोंट वरी, हम इसमें सब जो है आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड होता है, जनरली जो है सर्कुलर शेप में होता है,
एक पिच होती है क्रिकेट की, यहाँ पे वो आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं होता है ये पूरा एक जो है, आप इधर से मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये प्रॉपर मार्किंग होती है, इसके ऊपर पूरा बैट बॉल आपका खेला जाता है, ठीक है। क्रिकेट इज इक्वल टू बैट बॉल, ठीक है। ये आपकी विकेट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से बॉलर बॉल फेंकता है, यहाँ पे आपका सामने जो है प्लेयर खड़ा होता है, इसके पीछे जो है ये स्टंप इनको बोलते हैं, ठीक है। याद रखना क्या बोलते हैं, स्टंप। तो एग्जाम में अगर आ जाए स्टंप किस गेम से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट के रिलेटेड है। स्टंप के जस्ट पीछे जो है स्टंप, सॉरी ऊपर वाली को बोलते हैं, जो ये पूरा है इनको विकेट बोलते हैं, ठीक है। तो विकेट के पीछे खड़े होने वाले क्या बोलेंगे, विकेट कीपर। जो भी बॉल पीछे जाती है उसको विकेट कीपर जो पकड़ता है, यहाँ पे आपका बैट्समैन खड़ा होता है और ये आपका बेसिकली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसके जो ये क्रिकेट के अंदर जो टर्म यूज होती है, जैसे बाउंसर, क्रीज, कवर, पिच, ड्राइव, ये सब हम एक एक डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर आप इनको डायरेक्टली देखोगे तो ये आपको याद भी नहीं होंगे, ठीक है। जनरली कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको सीधा टर्म्स पढ़ा देते हैं, बाउंसर बाउंसर ये वो, तो जब तक आपने देखी नहीं होगी उसको प्रैक्टिकल आप कैसे आप दिमाग में बैठाओगे, तो आप रटने वाली बात हो जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली इनको सीखें और एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आए तो उसको डेफिनेटली आप बिना किसी रटे उन चीजों को सोल्व कर सके, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको मार्क करके बताया था, ये प्रॉपर जो है डायमेंशन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से लेके ये पूरी जो है रेक्टेंगुलर शेप होती है पूरी की पूरी, इधर से लेके इधर तक, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी जो होती है, ये इसमें दो चीजें होती है, एक होती है पिच, एक क्रीज, इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा कि पिच या क्रीज किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए लाइफ में भी कि पिच और उसमें क्या डिफरेंस है। तो एरिया वेयर क्रिकेट इज प्लेड, कंप्लीट मार्क्ड रेक्टेंगल, जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, ये पूरा का पूरा जो है इसको हम पिच बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको ये वाला एरिया, इसको पूरा पिच बोलते हैं, ठीक है। और जो आप ये पूरा ग्रीन वाले जो उसमें एरिया कवर्ड है, और जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं क्रीज, एरिया बिटवीन द टू विकेट्स जो है उनको हम क्रीज बोलते हैं। तो इसमें एक फैक्ट आपका ये है कि जो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई हम कहाँ से कहाँ तक मापते हैं, जो दो स्टंप आपकी होती है, ठीक है, उन दो स्टंप के बीच का जो एरिया होता है, विकेट के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं 22 यार्ड्स का ये है जो एरिया होता है, इसको इतना याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे टर्म है पोजीशन ऑफ फील्डर्स की होती है, जैसे आपने सुना होगा गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, फाइनल लेग, ये सब, तो वो देखेंगे। ये आपका आ गया यहाँ पे क्रिकेट की पिच, देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके जस्ट पीछे जो है आपका होता है विकेट कीपर, नंबर वन जो है विकेट कीपर होता है। विकेट कीपर के जस्ट साइड में आपने देखा होगा ना, जैसे कीपर खड़ा होता है उसके साइड में दो तीन बंदे खड़े होते हैं, तो उसमें जो जस्ट साथ वाला जो बंदा होता है उसको हम बोलते हैं स्लिप। आपने देखा होगा कि कमेंट्री में भी सुना होगा कि बैट्समैन ने शॉट लगाया और ही गॉट कैच आउट बाय स्लिप प्लेयर, ठीक है। तीसरा आपका होता है गली, ये आपका गली है यहाँ पे। चौथा है आपका पॉइंट, तो कई बार आपने देखा होगा बैट्समैन जब सीधा कट करता है तो सामने सीधा जो है पॉइंट पे उसका कैच हो जाता है, ठीक है, उसको पॉइंट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गली जो है वो किन दो के बीच में होता है, तो आपको याद रखना है स्लिप और पॉइंट के बीच में गली होता है आपका, ठीक है। पांचवें नंबर वाला जो प्लेयर खड़ा होता है वो लोकेशन होती है, वो होती है कवर, देन फिर आपका एक्स्ट्रा कवर। ये आपका यहाँ से आप देखोगे तो कंप्लीट ये आधा ग्राउंड इस साइड है आधा इस साइड है, तो यहाँ पे मिड ऑफ बोलते हैं इसको, इधर वाले को मिड ऑन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मिड विकेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपकी विकेट है और यहाँ पे आपकी विकेट है, तो इसके बीच में जो भी प्लेयर खड़ा होगा उसको मिड विकेट बोलेंगे, ठीक है। देन आपका स्क्वायर लेग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये पीछे जो आपका फाइनल लेग आ जाएगा। कई बार देखा होगा आपने रिवर्स जब शॉट मारते हैं कई बार प्लेयर्स, तो वो चौका जो है या छक्का जो है वो फाइनल लेग में जाता है, तो कमेंट्री में बोलते हैं कि ये जो चौका छक्का जो है फाइनल लेग में चला गया, ठीक है। और 12th जो पोजीशन होती है होती है थर्ड मैन, ठीक है, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। थोड़ा सा एक दो बार और पढ़ लेंगे, जनरली क्वेश्चन तो आपका यही आएगा कि गली जो है कौन से गेम में यूज होता है, ठीक है, मिड ऑन जो है कौन से गेम में यूज होता है, या फाइनल लेग जो है किस गेम का एक टर्म है यूज होती है, तो सिंपल क्रिकेट आएगा। बट मैं चाहता था कि आपको एग्जैक्टली अच्छे से आप देख सको, तो ये सारे के सारे स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइनल लेग, ये सब आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और कुछ और टर्म है जो कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, बट आपको करनी है, वो एग्जाम में आएंगे आपके, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं आप टर्म यूज्ड इन क्रिकेट, ये पिछले वाली भी सारी टर्म ही थी, ठीक है, डोंट वरी, हमने सारी टर्म्स को कवर किया है। एक टर्म आते हैं बाउंसर, ठीक है, काफी लोगों को जो क्रिकेट नहीं देखते उनको नहीं पता होगा बाउंसर क्या होती है। बाउंसर बेसिकली क्या होती है, जब बॉलर बॉल करता है और जो टप्पा खा के, टप्पा मतलब ग्राउंड पे टच होके बॉल जब बाउंस होती है, बाउंस मतलब बाउंस होना बॉल का, ठीक है, तो वो जब चेस्ट से ऊपर चली जाती है तो प्लेयर को इस तरीके से टेढ़ी गर्दन करके या छोड़ना पड़ता है बेसिकली बॉल को, ठीक है। कई बार कई आपने शॉट देखे होंगे चेस्ट के वहीं से घुमा देते हैं तो छक्का चौका चला जाता है। बेसिकली बाउंस क्या होती है, शोल्डर से ऊपर जब आपकी कोई बॉल जाती है उसको बाउंस बोलते हैं, ठीक है। फिर तीन टर्म होती है, गूगली, स्लाइडर और लेग ब्रेक और रॉन्ग रन, ठीक है, WRONG, रॉन्ग
रन, ये चारों टर्म जो है ये बॉलिंग के रिगार्डिंग है। हाथ की अलग अलग मूवमेंट होती है, किस तरीके से बॉल फेंकी जा रही है उनको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होती है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है जब विकेट में आपके जाके सीधा बॉल लग जाती है तो उसको बोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ड्राइव का मतलब ये होता है जब क्रिकेट प्लेयर जो होता है, बैट्समैन जो होता है खेलता है, जब लंबा हाथ करके जब कोई शॉट लगाता है उसको हम ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। और या फिर जो स्वाइप में करके जो प्लेयर खेलता है उसको हम बोलते हैं ड्राइव, ठीक है। बाय का मतलब होता है, बाय क्या होता है, जैसे जैसे बैट्समैन खेल रहा है, बॉलर ने बॉल फेंक दिया, उसके बाद बैट्समैन ने उस बॉल को टच नहीं किया, ना तो बैट से किया ना उसकी बॉडी से किया, बट वो बॉल जो है मान लो विकेट कीपर से छूट गई या कहीं और चली गई, तो उस कंडीशन में जब एक रन आप ले लेते हो तो उसको बाय का रन बोलते हैं, ठीक है। अपील कब होती है, जब किसी भी कंडीशन में जैसे LBW होता है, केस होता है, उस कंडीशन में जब आप एम्पायर से रिक्वेस्ट करते हो, पूछते हो क्या ये आउट है या नहीं है, तो उसको अपील बोलते हैं। LBW सिंपल कुछ नहीं होता है, तीन पीछे आपकी विकेट आपको पता है इस तरीके से खड़ी होती है। इस कंडीशन में जब आपका टपा खा के बॉल जब पैड के ऊपर लगती है, ठीक है, पैड के ऊपर होते हैं, लेग बिफोर विकेट फुल फॉर्म होता है इसका, जब पैड के ऊपर बॉल लगती है, आसपास के एरिया में जब भी बॉल लगती है और वो अगर विकेट की सीध में है यानी ऑन द लाइंस ऑफ विकेट्स है, तो उस कंडीशन में LBW होता है। इसी कंडीशन में आपने देखा होगा प्लेयर जो है अंपायर से रिक्वेस्ट करता है, पूछता है, अपील करता है कि आउट है क्या, ठीक है। फिर होता है स्टंप। स्टंप बेसिकली कुछ नहीं होता है, जब विकेट, जैसे ये आपकी विकेट है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाली विकेट है, इसके आगे आपका बैट्समैन खड़ा है, पीछे आपका जो है विकेट कीपर खड़ा है। जब बैट्समैन से कोई बॉल मिस हो जाती है और बैट्समैन जो है क्रीज जो आपकी लाइन जो होती है गेम की, एक सेकेंड, ये वाली, जैसे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला यहाँ पे बॉलर है, यहाँ पे आपका मान लो बैट्समैन है, मान लो बैट्समैन जो है यहाँ पे खड़ा होता है जनरली, और ये आपकी क्रीज लाइन होती है, ठीक है। इससे मान लो बैट्समैन आगे जाके बढ़ के छक्का मारने की कोशिश करे, बट उससे बॉल मिस हो जाए और पीछे विकेट कीपर जो है अगर स्टंप को हिट कर देता है तो उसको बोलते हैं स्टंप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन आपका आता है हिट विकेट। हिट विकेट कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली सीधा जो है आपका डायरेक्टली जाके तेज तेजी से जब बॉल लगती है आपका विकेट्स के अंदर, तो उसको हिट विकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक इसमें टर्म है ड्रॉ। ड्रॉ होता है व्हेन बोथ द टीम्स कुडंट फिनिश द इनिंग्स बिफोर द टाइम एंड देयर इज नो विनर। जैसे आपने ड्रॉ जनरली आपको देखने को मिलेगा आपका टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है, काफी लंबी लंबी इनिंग्स होती है तो उस कंडीशन देखने को मिलेगा। टाई होता है जब दोनों टीम जो है सेम स्कोर करती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल टीम ए ने 100 रन बनाए हैं और टीम बी को 101 रन चाहिए जीतने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली टीम बी भी जो है 100 रन बना पाए, 101 ना बना पाए, तो इस कंडीशन में जो है ये टाई हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट के प्लेयर के बारे में। विराट कोहली के बारे में आपको पता होगा, रोहित शर्मा, MS धोनी, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, तो पूछ सकते हैं इनमें से भी किसी का नाम आ सकता है, मान लो पूछ लेंगे। जनरली इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको याद रखने से जहीर खान पूछ लेंगे, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है जहीर खान क्या कौन था, लेकिन जो लेटेस्ट बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता होगा, तो जहीर खान के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। आशीष नेहरा के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कई बार आ सकता है। उसके बाद अवार्ड्स की अगर बात करें, यहाँ पे ना एक अवार्ड होता है जिसका नाम है ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। ये बेसिकली दिया जाता है कि लॉन्ग टाइम, जैसे काफी प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्होंने अल्ट्रा परफॉर्मेंस दी होती है, ठीक है, लेजेंडरी परफॉर्मेंस अपने करियर के अंदर दी होती है, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से, ठीक है। तो इंडिया में टोटल जो है 7 लोगों को मिल चुका है। सबसे पहला मिला था आपका सुनील गावस्कर को 2009 के अंदर, फिर बिशन सिंह बेदी को मिला था 2009 के अंदर ही, कपिल देव को 2010 में मिला था, अनिल कुंबले को जो 2015 में मिला था, राहुल द्रविड़ 2018, सचिन तेंदुलकर को 2019 में मिला था, और रिसेंटली 2020-21 के अंदर जो है विनू मैनकट को जो है मिला है। तो पूछ सकते हैं कि रिसेंट में 2021 में किसको मिला है, तो याद रखना है विनू मैनकट को मिला है, ये NDA में क्वेश्चन आपको आ चुका है, ठीक है। इनके साथ में कुमार संगकारा का भी पूछ सकते हैं कि कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग टू क्रिकेट एंड ये श्रीलंका के खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इफ यू कंसिडर योर FCAT एग्जामिनेशन, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फुटबॉल का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज होता है फीफा के द्वारा। फीफा इज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, राइट। हेडक्वार्टर जो है फीफा का पूछ सकते हैं कहाँ पे है, ज्यूरिख में है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड कप जो है जूल्स रिमेट कप के नाम से नाम था इसका, उसके बाद जो है फीफा के जो प्रेसिडेंट थे वो जूल्स रिमेट थे। फर्स्ट फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था यूरुग्वे में 1930 में, ये आपको याद रखना है। पहला वर्ल्ड कप जो है यूरुग्वे 1930 में हुआ था। 1942 और 1946 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, आपको पता होगा। ब्राजील इज द ओनली नेशन टू हैव पार्टिसिपेट इन एवरी वर्ल्ड कप सो फार, मतलब अभी तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं सभी में ब्राजील ने पार्टिसिपेट किया है। 21st फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 में रशिया के अंदर हुआ था, विनर था इसका फ्रांस। सेकेंड एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका कतर के अंदर, ये आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट आपका फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ये होगा आपका कतर के अंदर, ठीक है।
अब कुछ ट्रॉफीज की बात कर लेते हैं। ट्रॉफी जैसे फुटबॉल की है, डीसीएम ट्रॉफी है, दुरान कप है, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड है और सुब्रतो मुखर्जी कप है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इनमें से दुरान कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो मुखर्जी कप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लेयर की अगर बात करूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 11 प्लेयर्स आपके फुटबॉल में होते हैं। जिन लोगों को फुटबॉल के बारे में नहीं पता, इस तरीके का एक पूरा ग्राउंड होता है, सामने आपका गोल पोस्ट होता है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हाफ सेक्शन ऑफ द ग्राउंड होता है, यहाँ पे आधा आधा बिल्कुल सर्कल होता है। इधर से आप देखोगे ये गोलकीपर है, ये बॉल है आपकी और ये अलग अलग जो है प्लेयर है। ठीक है, और ये एरिया है, यहाँ से पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो दिया जाता है, कई बार देखा होगा आपने। ठीक है, उसके बाद देखो, मुझे खुद नहीं पता था इन सब चीजों का, बट मैंने आपके लिए मेहनत करी है और ये सब चीजें मैं की। ठीक है, अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। काफी सारी टर्मिनोलॉजी आपके फुटबॉल के रिगार्डिंग आपकी आती है, जैसे पूछ लेंगे कि ड्रिबल बताइए कौन से गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, तो टर्म अलग अलग देखेंगे आप कौन कौन सी क्या क्या होती है। सबसे पहले टर्म है ड्रिबल। ड्रिबल क्या होता है? कीपिंग द कंट्रोल ऑफ बॉल वाइल रनिंग। कई बार आपने देखा होगा ना, खिलाड़ी जो है बॉल को लेके घूमते रहते हैं अपने साथ साथ, वो पास नहीं होने देते दूसरे खिलाड़ी को, तो उस कंडीशन को हम जो है ड्रिबल बोलते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, ड्रॉप किक क्या होता है? व्हेन वी लेट द बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड किक द बॉल बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में बॉल है, उसको जो है जैसे ग्राउंड पे हम फेंकते हैं, उससे पहले जो है शॉट लगाते हैं। जैसे इसका इमेज जो है आप ये देख सकते हो, और ड्रिबल का इमेज ये है। ठीक है, जैसे प्लेयर जो किक कर रहा है बॉल को, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप किक। फाउल होता है, कोई भी इलीगल प्ले अगर आप करते हो तो उसको हम फाउल बोलते हैं, जैसे खिलाड़ी के पैर पे जानबूझ के लात मारना इस तरीके से। ठीक है, और जैसे मान लो कोई प्लेयर है उसके जानबूझ के सिर पे लात मारना इस तरीके से, अननेसेसरी, मतलब गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अननेसेसरी मारते हैं तो उसको हम जो है फाउल बोलते हैं। किसी भी खिलाड़ी पे थूकना, बेशक उसके ऊपर जाके गिरे या ना गिरे, डजंट मैटर, बट इस तरीके की और भी तीन चार चीजें होती हैं जो फाउल के अंदर आती है। जस्ट आपसे पूछेंगे फाउल क्या होता है। हैट्रिक जो है, तीन गोल इन अ गेम, थ्री गोल्स इन अ गेम, हैट्रिक आपने सुना होगा, क्रिकेट में भी होता है आपका हैट्रिक, लेकिन क्रिकेट में हैट्रिक जो होता है तीन विकेट कॉन्जिक्यूटिव होती है, बट फुटबॉल के अंदर आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि तीन गोल लगातार हो, पूरे गेम के अंदर अगर तीन गोल कोई कर देता है तो हैट्रिक मानी जाती है। ठीक है, ऑफसाइड क्या होता है? ऑफसाइड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि ऑफसाइड जो है फुटबॉल गेम के अंदर यूज होता है, सिंपली कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेयर ये है अपोजिट टीम का, दूसरा प्लेयर ये है, इसके उस पर एक लाइन बन जाएगी यहाँ पे, तो इसके अंदर जितने भी प्लेयर होंगे अदर टीम के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू जर्सी जो है वो एक टीम का पार्ट है और जो मरून जर्सी वाले जो है वो दूसरी टीम का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अंदर सेकेंड जो प्लेयर होता है उसके अंदर के जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑफसाइड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो खिलाड़ी है ये ऑफसाइड के अंदर है, तो बाकी ये वाले खिलाड़ी जो है आउट ऑफ द ऑफसाइड है, तो इतना याद आपको रखना है। पेनल्टी अगेन, कोई गलतियां आप करते हैं तो उसके लिए आपको हर्जाना भुगतना पड़ता है, उनको पेनल्टीज बोलते हैं। थ्रो इन एक चीज होती है, जब भी कोई बॉल जो है क्रीज, जैसे पैरल जो क्रीज चलती है उसके बाहर जब चली जाती है, तो उसको बॉल को जो है थ्रो किया जाता है ऐसे, उसको कंडीशन होती है किस तरीके से आप उठाओगे और इस तरीके से फेंकोगे, उसको हम बोलते हैं थ्रो इन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डमी रन। डमी रन क्या होता है? व्हेन अ रन बाय अ प्लेयर विदाउट द बॉल और ल्यूर डिफेंडर्स अवे फ्रॉम द बॉल करियर। कई बार होता है ना कि हम यूं यूं घुमा के एक बार दिखाते हैं कि बॉल हमारे पास है, बट एक्चुअली बॉल हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डमी रन। डमी का मतलब होता है आपका कैसे समझा यार, डमी एग्जैक्ट जो चीज होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब वो चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं होती बट दिखाई जाती है, डमी क्रिएट की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्लिकर। फ्लिकर होता है जनरली, जैसे एक प्लेयर ये है इसके हाथ में बॉल है, ये बॉल को फेंक देगा, ये पर्सन विदाउट टचिंग दिस बॉल विद हिज हैंड अपना सिर का इस्तेमाल करके बॉल को फेंकेगा और दूसरे बंदे के पास जो है ये बॉल चले जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं फ्लिकर। फिर आता है आपका नटमैग। ये इमेज हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि आपको ये कंटेंट सारा देख सके, कोई दिक्कत नहीं है, जब पीडीएफ आपको मिलेगा। नटमैग क्या होता है? नटमैग एक काइंड ऑफ स्किल होता है, जब एक प्लेयर मैनिपुलेट करता है, आपने देखा होगा जब एक प्लेयर जो है उसके पास बॉल होती है, कई बार होता है ना कि वो घुमाता रहता है पैरों से और दूसरा प्लेयर उसकी कोशिश करता है कि बॉल मुझे मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसको बॉल नहीं मिलती और वो ले जाके साइड में ले जाता है, फिर किसी और को पास कर देता है, उसको बोलते हैं नटमैग। ठीक है, फिर आपका ड्रॉप बॉल है, क्लिप शॉट है, हुफ है, ये सारे जो है वर्ड्स जो है फुटबॉल के रिगार्डिंग है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंडियन नेशनल फुटबॉल प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए आपको। बैचंग भुटिया जो है पहले काफी अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, अब ये गेम नहीं खेलते, रिटायर हो गए हैं। सुनील छेत्री जो है करंटली खेलते हैं, हाईएस्ट आई थिंक सेकंड हाईएस्ट या हाईएस्ट गोल्स हैं इनके वर्ल्ड के अंदर, सेकंड हाईएस्ट होंगे आई थिंक। उसके बाद संदेश जिंगांग है, साहल अब्दुल समाद है, गुरप्रीत सिंह संधू है गोलकीपर है, अनिरुद्ध थापा है, ये मिडफील्डर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे आपके फुटबॉल के। ठीक है, चलिए बात करते हैं हॉकी की। हॉकी जो है हम नेक्स्ट गेम में करेंगे, दो दो करके गेम्स हम जो है वीडियोज ही बनाएंगे, क्रिकेट और फुटबॉल जस्ट हमने कवर किए हैं, नेक्स्ट आपका हॉकी आएगा, हॉकी के बाद हम डिस्कस करेंगे बैडमिंटन में। ठीक है, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। चलो गाइज, अब देखते हैं हॉकी के बारे में। हॉकी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फ्रॉम अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
तो हॉकी के बारे में अगर बात करें तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में होता है। हेडक्वार्टर जो है लुजाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। फर्स्ट हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो बार्सिलोना स्पेन के अंदर हुआ था 1971 में, और विनर जो है पाकिस्तान की टीम थी, याद रखना। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हैज बीन हेल्ड सिंस 1974, 1974 में जो है वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। 14th वुमेन वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2018 के अंदर लंदन में हुआ था, ठीक है, और जिसमें नीदरलैंड जो है चैंपियन बना था आयरलैंड को हरा के। 14th मैन हॉकी वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड एट कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ठीक है, याद रखना है, अभी 2018 के अंदर हुआ था, कलिंगा स्टेडियम है आपका भुवनेश्वर में वहां पे, ठीक है। और 15th मैन हॉकी कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर में ही होगा और राउरकेला में इंडिया के अंदर ही होगा, याद रखना है। सबसे ज्यादा हॉकी के टाइटल किसने जीते हैं, पाकिस्तान ने, ये भी याद रखना है। अब देखिए पहले जो है ना, पहले घास पे हॉकी खेलते थे, आपको पता होगा हरा हरा सा मैदान होता था हॉकी का। आजकल जो है थोड़ा एडवांस मैट्स वगैरह आ गए तो इसको एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर पूछा जा सकता है हॉकी के अंदर कितने, तो आपको याद रखना है 11 प्लेयर जो है हॉकी के अंदर होते हैं। तीनों अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं, फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट, तीनों में जो है 11 प्लेयर्स होते हैं। ट्रॉफीज की अगर बात करूँ तो इनमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन कौन सी ट्रॉफी होती है। अब देखो ध्यानचंद ट्रॉफी के बारे में आपको पता होगा, मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनके नाम पे राजीव गांधी जो खेल रत्न वाला था वो नाम बदल के जो है ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है उसका, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, तो याद आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगा खाप कप जो है ये भी हॉकी की टूर्नामेंट है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, रंगा स्वामी कप है, सिंधिया गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, खान अब्दुल गफार कप और अजलान शाह इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है आपका कप है, ठीक है। तो अजलान शाह इंपॉर्टेंट है आपका, नेहरू ट्रॉफी है, रंगा स्वामी है, ध्यानचंद ट्रॉफी है और आगा कप, ये सारे जो है एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टर्म यूज्ड हॉकी में, कौन कौन सी टर्म इंपॉर्टेंट यूज होती है, ठीक है। वैसे तो हम लास्ट में एक पूरा टेबल देंगे, वो आप वहां से आप जो है रिवाइज कर सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल टर्फ जो है ये सबसे पहले ओलंपिक हॉकी फील्ड में जो है 1976 में जो है मॉन्ट्रियल के गेम्स जहाँ पे हुए थे तब यूज किया गया था, ठीक है। और आजकल हर जो है हर एक हॉकी के गेम जो है आजकल आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर होने लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। बुली नाम से एक टर्म यूज होती है आपकी हॉकी के अंदर, ये आप इमेज देख सकते हो, इस तरीके से बॉल रखी जाती है, हॉकी को 3 बार यहाँ पे टैप करना होता है बिफोर स्टार्टिंग द गेम, तो इसको जो है बुली बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये सब इतना जो भी हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू, ताकि आपको टर्म देखते, जैसे इसमें द डी है, फ्लिक है, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाए कि हॉकी के रिलेटेड जो है टर्म्स दी गई है, ठीक है। सेंटर पास नाम का एक टर्म होता है, या पढ़ सकते हो यहाँ पे, द डी होता है, डी शेप का आपको पता होगा हॉकी के, इसमें जब देखोगे आप, ये देखिए ये डी शेप बनी हुई है ना आपकी, इस तरीके से ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपका डेंजरस प्ले है, जब भी कोई एक एक्शन डेंजर और इंजरी का सिग्नल देता है किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए तो उसको डेंजरस प्ले बोला जाता है। फ्लिक का मतलब होता है पुश्ड बॉल दैट इज रेज्ड ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। अब जैसे हॉकी है वो नीचे बॉल है, उस बॉल को जब कॉर्नर से जब ऊपर उठाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लिक, ठीक है। हिट होता है जब बॉल को आप मारते हो, उसको हिट बोलते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, एक बार पढ़ लेना सारी की सारी टर्म्स को। देन पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर का आपको पता है गोल का सबसे ज्यादा एडवांटेज पेनल्टी कॉर्नर में रहता है। द प्ले अवॉर्डेड टू अटैक टीम और अ फाउल बाय द डिफेंस इनसाइड द सर्कल व्हेन द डिफेंस इंटेंशनली हिट द बॉल द एंड लाइन, ठीक है। उसके बाद आपका पेनल्टी स्ट्रोक है, पेनल्टी कॉर्नर है, ये दोनों आपको पता होगी गेम के बारे में। पुश बैक है, रिवर्स स्टिक है, उसके बाद आपका स्टिक साइड है, ठीक है। ड्रिबल होता है, ड्रिबल जैसे हॉकी की इस बॉल को हॉकी के साथ जो है घुमाना यूं 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 करके, ठीक है, बॉल को ना छोड़ना। फील्डिंग है, फ्लिक है, फ्लिक अगेन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। मनदीप सिंह जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे रह चुके हैं, रुपिंदर पाल सिंह है, ध्यानचंद जी हैं जिनके बारे में अभी आपने ट्रॉफी देखी, मनप्रीत है, ये जो करंट में जो आपके कैप्टन है वो मनप्रीत सिंह है, पी आर श्रीजेश का आपने नाम सुना होगा, इस बार इस वाले ओलंपिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे थे, हमारे गोलकीपर थे, हरमनप्रीत सिंह है, गुरजन सिंह है। लेडीज की अगर बात करूँ तो रानी रामपाल जो है इंडियन हॉकी की जो है कैप्टन है अभी, वंदना कटारिया है, गुरजीत कौर है, दीप ग्रेस इक्का है, सुशीला चानू है, सविता पुनिया जो है इस बार जो है आपकी गोलकीपर थी इस वाले ओलंपिक्स में, उदिता दुहन है, नवनीत कौर है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं के नाम आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स इन इंडिया, वी टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तो बैडमिंटन का जो मॉडर्न नेम है, 1873 में बैडमिंटन केम फ्रॉम द बैडमिंटन हाउस, द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1934, न्यू नेम इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है कुआला लंपुर में है, मलेशिया।
इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसके कप, ठीक है। अब कई बार पूछा जा सकता है, गया है क्वेश्चन, ये जा सकता भी है और गया भी है। थॉमस कप जो है वो इसमें पूछा गया है कि चार अलग अलग कप के नाम आपको दे देंगे, ठीक है, बोलेंगे इसमें से कौन सा कप जो बैडमिंटन के लिए रिलेटेड है। ये चार इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप है, ऊबर कप है, वुमन के लिए है ऊबर कप, थॉमस कप आपका आदमी के लिए, मैन के लिए है, और नारंग कप है, और ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है बैडमिंटन के, आपको याद रखना, ठीक है। प्लेयर्स की अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रोमिनेंट प्लेयर्स यहाँ पे हैं आपके, पीवी सिंधु है, आपको पता होगा ओलंपिक 2020 के अंदर इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उससे पहले रियो ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। साइना नेहवाल है, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है। श्रीकांत कादंबी हैं, पुलेला गोपीचंद हैं, ये पीवी सिंधु के कोच रह चुके हैं। प्रकाश पादुकोण बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। पारुली कश्यप, बी साई श्रीनाथ, अश्वनी बोपन्ना, ज्वाला गुट्टा, ये सभी जो हैं आपके बैडमिंटन प्लेयर्स रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन में आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोर्ट होता है बैडमिंटन का, बैडमिंटन के ग्राउंड को जो है कोर्ट बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। प्लेयर्स कितने होते हैं, सिंगल हो सकते हैं और डबल्स भी हो सकते हैं। वन और टू मैंने इसलिए लिखा, वन का मतलब सिंगल्स, टू का मतलब डबल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल का मैच चल रहा है, यहाँ पे सिंगल मतलब जब एक खिलाड़ी होगा दूसरी साइड भी एक खिलाड़ी होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें भी छोटी छोटी टर्म्स है, बट मैं चाहता हूँ कि उन टर्म्स को हम लास्ट में, क्योंकि प्रोमिनेंट जो है मेजर इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे वो ऊपर वाली थी, अब हम बाद में जो है इकट्ठी सभी टर्म्स को जो है वो देखेंगे। टेनिस की अगर बात करूं तो टेनिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनदर इवेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेनिस के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं हम पहले। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1870 बाय मेजर विंगफील्ड इन वेल्स। विंबलडन चैंपियनशिप स्टार्टेड इन 1877 फॉर मैन ओनली, वुमन के लिए जो है 1884 में इसको शुरू किया गया था। फोर ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं वो होते हैं मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट, उनको माना जाता है वर्ल्ड में, और हर साल होते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, तो ये आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है साल की शुरुआत में होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आपका आता है फ्रेंच ओपन, देन आपका आता है विंबलडन, और देन आपका आता है यूएस, ठीक है, याद रखना है। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, सबसे पहले ए आता है, ए अल्फाबेटिकली ए, देन आपका एफ आता है, अब और उसके बाद ये दोनों उल्टे हैं, ठीक है। पहले यूएस आना चाहिए, उसके बाद विंबलडन, बट सीरीज में आपका विंबलडन है, तो याद रखना है पहले ऑस्ट्रेलिया, देन फ्रांस, देन आपका विंबलडन, और देन आपका यूएस ओपन। अपार्ट फ्रॉम दीज टूर्नामेंट ओलंपिक गेम्स, डेविस कप इंपॉर्टेंट है, फेड कप इंपॉर्टेंट है, होपमैन कप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चार पांच हो गए, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ओलंपिक गेम्स में भी होता है इसका गेम, डेविस कप है, फेड कप है, होपमैन कप है, ठीक है, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको जो है गवर्न करता है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट बहुत खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपका नाम, इनको का नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जाके गूगल करिए एक बार। सानिया मिर्जा जो है इंडिया से बहुत प्रोमिनेंट खिलाड़ी रही है इस गेम के, लियांडर पेस है, रोहन बोपन्ना है, महेश भूपति है, सुमित नांगल है, और अंकिता रैना है, ठीक है। ये वाला ग्राउंड होता है, इसमें भी आप देख सकते हो ये वाला जो कोर्ट, इसको भी हम कोर्ट के नाम से जानते हैं, इसके ग्राउंड को कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर वन और टू हो सकते हैं, सिंगल और डबल, सिंगल में जैसे यहाँ पे एक प्लेयर होगा, डबल में दो प्लेयर खेलेंगे, यहाँ पे दो इधर से खेलेंगे, ठीक है, ये इसका ग्राउंड होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ और स्पोर्ट्स हैं और जिनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। ये फोटोज मैंने इसलिए डाले हैं ताकि काफी लोगों को ना पता नहीं होता है कि वॉलीबॉल कौन सा गेम होता है, बास्केटबॉल कौन सा होता है, तो मेक द थिंग्स इजी फॉर यू, ये मैंने डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम वॉलीबॉल देखेंगे, ठीक है। वॉलीबॉल आप देख सकते हो, वॉलीबॉल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एक खिलाड़ी यहाँ पे है, दो तीन चार पांच और छह खिलाड़ी आपके हैं वॉलीबॉल के अंदर। बास्केटबॉल में आप देख सकते हो ये एक बास्केट होती है, इसके अंदर आपको जो है बॉल डालनी पड़ती है, आपने देखा होगा टप्पे मारते जाते हैं एकदम से प्रयोग करके बास्केटबॉल के उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है वॉलीबॉल में और बास्केटबॉल में, ठीक है। वॉलीबॉल को हम हाथ मिला के इस तरीके से खेलते हैं, स्मैश मारते हैं, तो इस तरीके का गेम है। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में बिल्कुल क्रिकेट जैसा गेम होता है थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या होगा, इसका जो बैट होता है वो प्रॉपर बैट नहीं होता है, अपना जो नॉर्मल क्रिकेट का बैट होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन इसमें जो है ना, कभी आपने देखा हो मूवीज में हॉकी के दूसरे टाइप से ना एक डंडा होता है, उसको यार मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी शेप, यहाँ पे ऊपर से ये मोटा है ऐसा, फिर बिल्कुल पतली स्टिक आपकी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, और ये फिर जो है नीचे तक जाते जाते बैट जो है वो खुला चौड़ा हो जाता है इस तरीके से ऐसे, ठीक है। लेकिन गोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, इसमें गोल होता है, बॉल जो है ये आपकी यहाँ पे हिट करती है, और ये इससे जब लगता है तो बहुत दूर जाता है, बॉलर के हाथ में जो है ग्लव्स होते हैं ताकि बैट्समैन अगर मारता है इसको तो इसको यहाँ पे पकड़ सकता है, इसको हम बेसबॉल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। बॉक्सिंग का आपको पता ही होगा, इंडिया में बहुत चलती है बॉक्सिंग, ये दो जो है बॉक्सर्स आप देख सकते हैं।
देन आपका आता है गोल्फ। गोल्फ के बारे में काफी बच्चों को नहीं पता होता है, तो गोल्फ में एक छोटी सी बॉल होती है, बहुत पिद्दी सी होती है, बिल्कुल छोटी सी बॉल, और यहाँ पे आपका एक डिवाइस होता है या जो भी आप खेलते हैं इससे, सो धमाके मारते हैं। और एक इसका मेन पर्पज क्या होता है ना, दूर से कहीं पे आप देखोगे गोल गोल गड्ढा बना होगा बिल्कुल छोटा सा, उसके अंदर बॉल पहुंचानी होती है बेसिकली, ये बने ठीक है। तो ये होता है आपका गोल्फ, ठीक है। वो जगह आपने नाम भी सुना होगा, गोल्फ गोल्फ कोर्स वगैरह है सब। उसके बाद आता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में आपका सेम जो है टेनिस की तरह ही सेटअप होता है, बट ये ग्रास के मैदान में खेला जाता है, और इस तरीके से आप प्लेयर्स आप देख सकते हो इसके अंदर। देन आपका आता है आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग जो है ये वाले होते हैं, इसमें बेसिकली भागते हैं आइस के ऊपर, उसको आइस स्केटिंग बोलते हैं। रेसलिंग होती है कुश्ती, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, हरियाणा में खासकर, और देख सकते हो आप दो पहलवान यहाँ पे जो है कुश्ती कर रहे हैं। देन आपका आता है खो खो। खो खो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। खो खो में भी जो है काफी सारी चीजें हैं, वो हम आगे डिस्कस करें, जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, कोई टर्म्स वगैरह हैं, कैसे क्या होगी, ठीक है। वाटर पोलो है, वाटर पोलो में आप देख सकते हो पानी के अंदर जो है एक बेसिकली फुटबॉल की तरह ही होता है ये। इसके अंदर जो है मेनली मेन फोकस क्या होता है ना, इस बॉल को जो है गोल पोस्ट में मारना होता है, वाटर पोलो के नाम से इस गेम को जानते हैं। फिर आपका आता है टेबल टेनिस। मनिका बत्रा इंडिया की प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर है। ये छोटी सी बॉल होती है और ये छोटा सा बैट होता है, ठीक है, उसको यूं 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 करके खेलते रहते हैं इस पर टेबल टेनिस में। फिर आपका चेस आता है, चेस तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कई बार नेम ऑफ द प्लेइंग एरिया के ऊपर, स्पोर्ट्स का नाम पूछ लेंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा प्लेइंग एरिया इसका है, ठीक है। प्लेइंग एरिया का मतलब इन द सेंस क्या होता है, जैसे क्रिकेट में पिच का यूज होता है वर्ड, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया टेनिस के लिए कोर्ट का यूज होता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्पोर्ट्स है यहाँ पे और नेम ऑफ द प्लेइंग एरिया। बैडमिंटन का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोर्ट, आपने सुना होगा बैडमिंटन कोर्ट में चलते हैं वहां पे गेम खेलेंगे, ठीक है। बेसबॉल के लिए आपका जो है डायमंड होता है। बेसबॉल कौन सा था, वो जो मैंने बताया था, बॉलर के हाथ में जो एक ग्लव होता है और बैट जो है टेढ़ा सा बैट जो होता है उसमें गोल गोल बैट, वो होता है बेसबॉल, ठीक है। इसमें डायमंड होता है उस एरिया का नाम। बॉक्सिंग जो है वो रिंग के अंदर कराई जाती है। क्रिकेट जो है पिच के लिए यूज होता है, ठीक है, और पिच जो है विकेट के बीच का जो है डिस्टेंस आपका होता है, ठीक है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, पिच इनफैक्ट इज द स्पेस बिटवीन द विकेट एंड नॉट द एंटायर क्रिकेट फील्ड। वैसे तो क्रिकेट पूरे ग्राउंड में खेला जाता है, बट मेनली जो क्रिकेट की जो बॉलिंग वगैरह होती है वो पिच के ऊपर होती है, याद रखना। गोल्फ के लिए जो है लिंक और ग्रीन का यूज किया जाता है। इट इज द एरिया अराउंड द होल ओनली, ठीक है, ठीक है। लिंक और ग्रीन गोल्फ का मैंने बताया था आपको, छोटी सी एक बॉल होती है, दूर से खड्डे में जाके जो इसको डालना होता है, तो इसके पास का जो एरिया होता है ना उसको लिंक और ग्रीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लॉन टेनिस का कोर्ट होता है आपका अगेन, और आइस स्केटिंग जो हम जिस मैदान पे करते हैं उसको हम रिंक बोलते हैं, याद रखना। रेसलिंग के लिए रिंग और एरेना दोनों होते हैं, एक ही चीज है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, एक क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ प्लेयर इन वन टीम। एक क्वेश्चन गारंटीड यहाँ से आना है, ठीक है, एक क्वेश्चन गारंटीड आपका यहाँ से आता है हर बार कि किस गेम में कितने क्या प्लेयर्स हैं। अब देखो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर गेम्स आपने देख लिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ना आसान वालों को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग का आपको पता होगा, एक टीम मतलब नंबर ऑफ प्लेयर, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर कितने चाहिए उस गेम को खेलने के लिए, ठीक है। बॉक्सिंग आपने देखी है, एक बॉक्सर होता है दूसरा बॉक्सर के साथ वो लड़ता है, तो एक हो गया यहाँ पे इसको, ये बहुत ईजी आपका हो गया। चेस में जो है दो बंदे बैठते हैं, एक सामने एक इधर, मैं आपके साथ खेल रहा हूँ आप मेरे साथ खेल रहे हो, चेस एक हो गया, ठीक है। टेबल टेनिस मैंने ये इसलिए डाला, दो अलग अलग टेबल बनाई है ताकि आपको ईजी रहे याद करने में। टेबल टेनिस मनिका बत्रा वो खेल रही थी, छोटा सा बैट लेके टेबल के ऊपर, उसको टेबल टेनिस बोलते हैं। सिंगल और डबल्स में हो सकता है, तो इनमें से बहुत रेयरली कभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि तो बहुत आसान है, सब प्रेडिक्ट कर देंगे। क्वेश्चन आपका मेनली आएगा लेफ्ट वाली टेबल से, वो भी मैं बताता हूँ कौन सा आ सकता है, ठीक है। टेबल टेनिस हो गया, उसके बाद टेनिस आपका देखा होगा आपने, टेनिस खेलते हैं सानिया मिर्जा वगैरह, सिंगल और डबल का होता है। बैडमिंटन में भी सिंगल और डबल लोग खेलते हैं, ठीक है। अब आते हैं टीम गेम्स। टीम गेम्स मतलब जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा प्लेयर्स खेलते हैं। देखो क्रिकेट जो है बहुत फेमस गेम है, तो क्रिकेट का सबको पता होगा 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तीनों गेम बहुत आसान है, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, क्योंकि देखो बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत ज्यादा प्लेयर इसमें चाहिए होते हैं, तो यू कैन इजिली गेस कि कितने कितने खिलाड़ी होंगे। तो याद रखें क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बहुत आसान गेम है, सबको पता होता है, ठीक है। अब आते हैं मुश्किल वाले, ठीक है। उसके बाद है आपका दो गेम देख लो, सात सात खिलाड़ी इसमें होते हैं। किस किस में, कबड्डी और खो खो और वाटर पोलो, सॉरी कबड्डी और वाटर पोलो दोनों में जो है सात सात खिलाड़ी होते हैं, याद आपको याद रखना है। कबड्डी देसी गेम है, वाटर पोलो भी जो है देसी सा गेम है, वैसे अपने इंडिया में खेलते नहीं है ज्यादा, बट ठीक है। उसके बाद वॉलीबॉल और बास्केटबॉल आपका बच गया, ठीक है, वो बॉल और वॉल, ठीक है, देखना है आपको। अब बास्केटबॉल मतलब वो जो टप्पा खा के मारते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 खिलाड़ी होंगे, और जो वॉलीबॉल है आपका इसमें हाथ से मारते हैं, मैंने आपको गिनवाए थे वहां पे खड़े हुए थे 6 खिलाड़ी थे, ठीक है ना, याद होगा आपको। खो खो के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं, अब देखो एक इधर मुंह करके बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर इस तरीके से, और एक खिलाड़ी जो है पीछे भागता है, तो 8 खिलाड़ी बैठते हैं, पीछे भागता है, धप्पा करता है इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसको आप याद रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आ गया आपके टर्म्स यूज्ड।
ऑलरेडी हमने 3-4 गेम्स की हमने करी थी, उसके बाद दूसरे गेम्स की भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से हमने किसकी कर चुके हैं, हम क्रिकेट की हम कर चुके हैं, फुटबॉल की हमने कर ली ऑलरेडी, ठीक है, दो गेम हम कर चुके हैं, हॉकी की भी की, बट यहाँ पे हॉकी नहीं दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बोट रेस में देखो आप, कॉक्स नाम की एक चीज होती है, सिंपल बोट रेस में याद रखना है। चेस के अंदर चेक होता है, चेकमेट होता है, गैम्बिट होता है, सेलमेट होता है। अब जितने मैंने ये डार्क कर रखे ना, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है, ठीक है। ब्रिज गेम होता है कि उसके अंदर डायमंड, डमी, ग्रैंड स्लैम, लिटल स्लैम, रिवोक, रफ, ट्रिक्स एंड ट्रक, ये सब होते हैं, ठीक है। डार्क वाले जरूर आप याद करना, ठीक है। उसके बाद बॉक्सिंग में आपका हुक, जैब, नॉकआउट, पंच, अपरकट। देखो नॉकआउट आपने सुना होगा कि उसने इतना तेज मुक्का मार दिया कि वहीं पे वो नॉकआउट हो गया, ठीक है। पंच आपने सुना होगा, पंच मार दे, मुक्का मार दे। अपरकट मतलब ठीक है, कोई चीज होती होगी, ठीक है। हुक और जैब आपको बस याद रखने की, ये बॉक्सिंग के रिलेटेड है, ठीक है ना। बेसबॉल में और बैडमिंटन में देखो, बैडमिंटन में ड्यूज, डबल, ड्रॉप, फोल्ड, गेम, लेट, लव, स्मैश, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। स्मैश आपको पता होगा, यूं मारते हैं ऊपर से नीचे इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आपका बेसबॉल में बंटिंग, डायमंड, होम, पिचर, पुट आउट और स्ट्राइक, ये सब हैं। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना बस, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, पेपर में इजिली कर सकते हो। क्रिकेट के हमने बहुत अच्छे तरीके से करे थे, और फुटबॉल और हॉकी के, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके गोल्फ पे, गोल्फ के आगे। तो गोल्फ में आपका बोगी है, कैडी है, होल, लिंक्स, पुट, पुटिंग द ग्रीन, स्टैमी और टी। हॉकी के अंदर हमने ऑलरेडी देखे थे बुल, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, कैरी, ड्रिबल, गोल, हैट्रिक, पेनल्टी, स्कूप, शॉट, कॉर्नर, स्टिक्स, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडर कटिंग, सब किए हुए, ठीक है। हॉर्स रेसिंग में जोकी होता है, जोकी वो बंदे को जोकी बोलते हैं, ठीक है। प्लेस, प्रोटेस्ट, पंटर, विन, ठीक है। उसके बाद पोलो में आप देखोगे, पोलो के अंदर ना एक मैलेट होता है, उस डंडे को मैलेट बोलते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है। बंडर चक्कर, ये आपको याद रखना है। रग्बी में आपका ड्रॉप किक और स्क्रीन होता है, स्विमिंग में आपका एक ही होता है सिर्फ स्ट्रोक, वॉलीबॉल में बूस्टर, ड्यूज, लव, सर्विसेज, स्पाइकर्स, हाफ, नेल्सन और हैव, ठीक है, ये सब होते हैं, तो आप इनको देख लेना, वीडियो पॉज करके एक बार। अब बात करते हैं इनके ग्राउंड्स के बारे में, तो एक क्वेश्चन शायद आ सकता है ग्राउंड्स के बारे में भी, ठीक है, कि किसका क्या कुछ होता है। साइज में तो नहीं आएगा, बट ठीक है, रफली आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। बॉल की अगर बात करूं, क्रिकेट बॉल जो है 163 ग्राम की आपकी होती है, आपको याद रखना है। बैट की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो होती है 96.5 सेंटीमीटर, रफली याद रखो कि 1 मीटर के अराउंड होती है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा, यानी 96.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और विड्थ होती है 10.8 सेंटीमीटर, आएगा नहीं बट आपको रफली मैं बता दूं। पिच जो होती है 20.12 मीटर की होती है, और गज में जो है 22 यार्ड्स होती है, याद रखना है। लेंथ ऑफ स्टंप जो है 28 इंच होती है, याद रखना है, और लेंथ ऑफ द क्रीज जो है वो 4 फीट की होती है। फुटबॉल के अगर ग्राउंड की मैं बात करूं, तो 100x64 मीटर टू 110x75 मीटर हो सकता है। हॉकी वाले में 100 यार्ड x60 यार्ड होता है। वेट ऑफ द बॉल, हॉकी की जो छोटी सी बॉल होती है उसका वेट जो है आपका 155 से 163 ग्राम होता है। एक अच्छी चीज ये है, 163 ग्राम और 155 ग्राम ये क्रिकेट बॉल के जो है वेट के बराबर होते हैं, देखो, ठीक है। कलर ऑफ द बॉल व्हाइट होगा, और वेट ऑफ द हॉकी स्टिक 280 ग्राम होगा, याद रखना, ठीक है जी। चलिए उसके बाद लॉन टेनिस में कोर्ट और बॉल की डायमेंशन क्या क्या होंगी, ये आएंगे नहीं वैसे, बट मैं आपको टेबल मैंने डाल दिया, तो थोड़ा सा पढ़ लेना रफली, ताकि आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन कर सको। वॉलीबॉल में 18 मीटर x9 मीटर का जो है ग्राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद नेट जो होता है 1 मीटर डीप और 9.50 मीटर लॉन्ग होता है। बॉल का जो वेट होता है वो होता है आपका 270 ग्राम, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट 13.40 मीटर से 5.18 मीटर और 44x20 फीट, लंबाई में 44 होता है ऐसे, ये 44 हो गया, ये आपको 20 फीट हो गया, ठीक है। कबड्डी का जो ग्राउंड होता है 13 मीटर से लेके गुना में 10 मीटर होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। खोखो में जो है 36x14 मीटर होता है, और डर्बी कोर्स जो होता है 1.5 माइल्स होती है। मैराथन रेस जो है वो 26 मील्स होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। पोलो का आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे, चेस है आपका 16, नंबर ऑफ द कलर 16 है। 64 जो है बॉक्स होते हैं, 64 बॉक्स जो ऐसे से बने होते हैं आपके चेस के अंदर, ठीक है। बेसबॉल में 90 फीट का जो है डिस्टेंस होता है, और 127 जो है बेस डिस्टेंस अलोंग द हाइपोटेन्यूज। उसके बाद लेंथ ऑफ द रिंग जो क्या होती है आपकी, 4.9x4.9 या फिर 6.1x6.1 किसमें होती है, बॉक्सिंग के अंदर, ठीक है। अब कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स आपके रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। मेजर ध्यानचंद जो है उनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत जगह आपको जो है इनका चौराहों पे भी इसको इनकी मूर्ति लगी हुई दिख जाएगी, आपको याद रखना है।
मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर थे, इनके नाम पे जो हॉकी का टूर्नामेंट भी कराया जाता है, ठीक है। मिल्खा सिंह जी हैं, लास्ट ईयर इनकी शायद डेथ हुई है, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है, बहुत तेज धावक थे, रनर है। पीटी उषा जो है इनको गोल्डन गर्ल और पेयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शोएब अख्तर जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं आपके, ठीक है। राहुल द्राविड को दा बॉल के नाम से जानते हैं, ये एक बार टुक टुक करने लग जाते थे बैट बॉल खेलते टाइम, ये फिर हटते ही नहीं थे, ठीक है। इनको आउट करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए इनको दीवार के नाम से जाना जाता था। हरभजन सिंह जो है भज्जी या फिर टर्मिनेटर के नाम से इनको जानते हैं। जवगल श्रीनाथ जो ये भी क्रिकेटर है, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं। पीएस और भूपति जो है, लिएंडर पेस और भूपति जो है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं। हिमा दास जो है धींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है गाइज। उसके बाद है कुछ कंट्री और उनके नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है, कनाडा का है वो है आइस हॉकी, लैक्रोस जो है बोलते हैं। देखो कनाडा में ना बहुत ज्यादा आपकी मतलब साल में ना 12 महीने में से 10 महीने वहाँ पे बर्फ ही रहती है, तो वहाँ पे आइस हॉकी जो है बहुत फेमस है। चाइना में जो है टेबल टेनिस खेलते हैं, छोटी छोटी यहाँ के छोटा छोटा गेम, मतलब किसी के खिलाफ नहीं, मैं जस्ट याद करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छोटा गेम, छोटे हाइट के लोग वहां पे होते हैं, इस तरीके से। इंग्लैंड जो है अंग्रेजों ने बहुत राज किया है, लगान नहीं देंगे, वो मूवी आपने देखी होगी बैट बॉल, उसमें खेलते हैं, तो क्रिकेट इनका नेशनल गेम। हॉकी जो है इंडिया का नेशनल गेम है, यहाँ से आप देख सकते हो। जापान के आपने सुमो देखे होंगे, मोटे मोटे जो पहलवान जो होते हैं उनको सुमो बोलते हैं, जो यू बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मलेशिया के जो है बैडमिंटन आप खेलते हैं ये लोग जनरली, तो बैडमिंटन इनका नेशनल गेम है। स्कॉटलैंड में रिंग बाय फुटबॉल, ये आपका एक गेम है। स्पेन में आपने देखा होगा टोमाटोमी जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा के अंदर वो टमाटर का गेम खेलते हैं। तो उसके अलावा एक आपने देखा होगा बुल्स का एक गेम होता है, बुल फाइटिंग इसको बोलते हैं, पीछे पीछे भागते हैं आपके, तो बुल फाइटिंग यहाँ का गेम है। और यूएसए जो है ये बेसबॉल खेलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे इसमें। उसके बाद ये कुछ ट्रॉफीज थी, ऑलरेडी हमने काफी सारी ट्रॉफी जो है देखी हैं। हमने कौन कौन सी देखी थी पहले वो देखते हैं एक बार। क्रिकेट की हमने देखी थी ईरानी ट्रॉफी मैंने आपको बताया था, दुलीप ट्रॉफी बताया था, रणजी ट्रॉफी मैंने नेशनल लेवल पर बताया था, विजय हजारे ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट है, देवधर ट्रॉफी बताई थी हमने, सीके नायडू ट्रॉफी थी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बिहार ट्रॉफी लोकल ट्रॉफी आ जाती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाली आप सारी कर लेना, ठीक है। फुटबॉल के अंदर मैंने डुरांड कप आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद रोवर्स कप इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी गोल्ड है, संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, सुब्रतो मुखर्जी कप मैंने आपको बताया था, उसके बाद नेहरू गोल्ड कप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉकी के अंदर अगर बात करूं तो आगा खां कप हमने डिस्कस किया था, अजलान शाह कप डिस्कस किया था, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, उसके बाद आपका रंगास्वामी कप है, और खान अब्दुल गफार खां कप, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। गोल्फ की अगर बात करें तो कनाडा कप है, मुथियान गोल्डन कप, राइडर कप और वोकर कप, इसमें राइडर कप इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जरूर जाएं। टेबल टेनिस में अगर बात करूं तो कोर्बिलिन कप है आपका, जयलक्ष्मी कप है और स्वैथिलिंग कप है, टेबल टेनिस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन टेनिस इंपॉर्टेंट है, डेविस कप इंपॉर्टेंट है, हेमलेट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस और हॉफमैन कप, ये 4-5 कप थे मैंने आपको बताया थे वहां पे। बैडमिंटन में थॉमस कप मैन के लिए, उबर कप वुमेन के लिए, नारंग कप और ऑल इंग्लैंड ओपन इंपॉर्टेंट है। रोविंग के लिए वेलिंगटन ट्रॉफी है, एफसी अर्जेनिया ट्रॉफी बॉक्सिंग के लिए है, उसके बाद आपका अपोलो के लिए एजा कप है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, और राधा मोहन कप इधर आपका अपोलो के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसको हम लास्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस को, काफी हैवी हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। इस वीडियो को जरूर जरूर एक बार दोबारा से जरूर देखिए, जो वीडियो अभी हम ये पढ़ रहे हैं जिस वीडियो में, ये इस वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत। चलो गाइस अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं क्वेश्चन आपको पढ़ूंगा, आपको 2 सेकंड का टाइम लेना है और सोचना है उसका आंसर क्या होगा, देन आपको आंसर पे जो हम लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला है मेलेट टर्म इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, 2 सेकंड सोचिए फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। देखो क्रिकेट में बैट आपका होता है, हमने मेलेट का कहीं पे नाम नहीं सुना, ठीक है। टेनिस के अंदर तो बैट वो होता है, बल्ला होता है आपका, वहां पे मेलेट का कोई काम नहीं है। हॉकी में स्टिक होती है, तो क्या बचा आपका, पोलो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है जो है वो है पोलो, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ये जो होता है इसको मैलेट बोलते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट पर्सन टू टेक हैट्रिक इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, ए चेतन शर्मा, बी हार्दिक पांड्या, सी एमडी शामी, डी जसप्रीत बुमराह। करेक्ट आंसर विल बी ए चेतन शर्मा जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ईरानी कप, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इन चारों में से एक आंसर होगा। 2 सेकंड का टाइम लेके देखो और सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ये देख सकते हैं आप, ईरानी कप जो है यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो है ये आपको दी गई है यहाँ पे।
देवधर ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, जीडी बिरला ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, ये सब जो है आपके किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड। इसमें एक एड और कर लो रणजी ट्रॉफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, सिक्स होते हैं, 11 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। अब यहाँ पे एलिमिनेट हम करना सीखेंगे पहले, 11 तो नहीं होते क्योंकि इतना बड़ा गेम नहीं है कि 11 खिलाड़ी हूँ, ठीक है। 5 बिल्कुल छोटा भी नहीं है कि 5 खिलाड़ी हूँ। 6 और 7 में से आपका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर विल बी 7। 7 खिलाड़ी होते हैं, आप देख सकते हो 6 खिलाड़ी जो है वो डिफेंडर, सॉरी 7 खिलाड़ी डिफेंडर है यहाँ पे टोटल, ठीक है। एक अपोजिट से देखोगे आप तो 6 खिलाड़ी में खेलते हैं, एक जो है रेड डालने जाता है, टोटल 7 है, दो टीम्स होती है, 7-7 खिलाड़ी होगी, ठीक है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैव बीन बोर्न बाय माइकल फिलिप्स इन ओलंपिक गेम्स। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीरज चोपड़ा रिकॉर्ड इन टोक्यो ओलंपिक 2020। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 88.07 मीटर्स। इसी के नाम पे जो है महिंद्रा की जो है XUV 700 एक गाड़ी है, महिंद्रा ने गिफ्ट की है नीरज चोपड़ा को, उनकी गाड़ी पे स्पेशली लिखी है जी 88.07 मीटर और गोल्ड एडिशन, ब्लैक एंड गोल्ड एडिशन में गाड़ी निकाली गई, ठीक है। माइकल फिलिप्स वाले का आंसर है 28, तो ही इज अ स्विमर और इनको जो है ओलंपिक में 28 मेडल जो है मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर सी है, ये नीरज चोपड़ा है, गोल्ड मेडल इनको मिला था, ठीक है। जेवेलियन के खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार। और आर्मी का जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, आर्मी का उसका नाम बदल के जो है नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है कर दिया गया, और वो शायद जो है पुणे के अंदर है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, डकवर्थ लुइस स्टर्न और DLS मेथड इज रिलेटेड टू विच गेम, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बेसबॉल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो होगा आपका क्रिकेट, ठीक है। ये एक बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे जो है मैच का रिजल्ट डिसाइड किया जाता है, जब आपका कोई भी बारिश वारिश आ जाती है, इस तरीके कोई इवेंट जब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच क्रिकेटर रीच्ड फास्टेस्ट 10,000 रन इन ODI, ऑप्शन ए तेंदुलकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का टाइम आपके पास। विच क्रिकेटर रीच्ड फास्टेस्ट 10,000 रन, इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली, आप देख सकते हो यहाँ पे ODI रन 205 इनिंग के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टंप्स ऑफ बोथ साइड्स इन क्रिकेट, 20 यार्ड, 24 यार्ड, 30 यार्ड एंड 22 यार्ड, मैंने आपको इसका स्पेशली बताया था मार्क करके इन दोनों स्टंप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर 22 यार्ड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रिकेट की यहाँ पे आपकी जो है विकेट लगी होती है यहाँ पे इधर आपस में दोनों साइडों में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 22 गज यानी 20.12 मीटर का होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपका डिस्टेंस होता है ये 10 फुट का होता है पूरा, ये इधर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका, 4x100 मीटर रेस विच नेशन होल्ड द रिकॉर्ड, नाइजीरिया, USA, केन्या और जमैका, 2 सेकंड का टाइम लो और सोचो इसको। इसका करेक्ट आंसर है डी जमैका, आपने सुना होगा नाम जमैकन स्टार उसेन बोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ के खिलाड़ी जो है बहुत तेज है भागने दौड़ने में सब कुछ, तो इसका करेक्ट आंसर है जमैका। नेक्स्ट है, विच गेम इज गीत सेठी एसोसिएटेड विद, इंपॉर्टेंट है गीत सेठी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स एंड गोल्फ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बिलियर्ड्स, गीत सेठी जी ये हैं, इनको आप शायद जानते हो। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, 11, 9, 7, 5, मैंने आपको बताया था बास्केटबॉल गेम कौन सा होता है, टप्पे खा के मारते हैं और जाके आपका बास्केट जो होती है एक वो जाली सी होती है उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करोगे, 11 नहीं होते, सिर्फ 3-4 गेम में होते हैं वो, बास्केटबॉल में नहीं होते, 9 भी नहीं होते, 7 और 5 में आपका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी योर 5, डी ऑप्शन, ये आपने देखा होगा, ये बास्केट आपकी होती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर ये बॉल को जो है डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और टेनिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो इजिली, ठीक है, क्रिकेट की ऐसी कोई ट्रॉफी कप वगैरह के रिगार्डिंग नहीं थी आपकी, ठीक है। बैडमिंटन, फुटबॉल और टेनिस तीनों में से एक आंसर आपका करेक्ट आंसर विल बी योर बैडमिंटन। उबर कप थॉमस कप मैन के लिए होता है, उबर कप वुमेन के लिए होता है, नारंग कप और ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन कप, ठीक है। हु इज द लार्जेस्ट लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर इन इंडिया, ऑप्शन ए प्रेमराजन नेगी, डी गुकेश कृष्णन शशि किरण और चौथा है मित्राबा गुहा, करेक्ट आंसर विल बी डी मित्राबा गुहा, इज फ्रॉम कोलकाता, 69 जो है हर्षित राजा थे महाराष्ट्र से, राजा ऋत्विक तेलंगाना से 70th और 71st थे आपके संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से, ठीक है, इज द लेटेस्ट मित्राबा गुहा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आउट इन वॉलीबॉल दैट अ टीम कैन टेक, मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए।
मैक्सिमम जो है दो टाइम आउट ले सकती है कोई भी टीम एज पर द टीम इज अलाउड. टाइम आउट लास्ट 30 सेकेंड इन ऑफिशियल इंटरनेशनल कंपटीशन, 260 सेकेंड टेक्निकल टाइम आउट आर यूज व्हेन द लीडिंग टीम रीचेस द 8 or 16 point मार्क. ठीक है, नेक्स्ट आपका हु वाज़ द कैप्टन इंडियन हॉकी टीम इन 1928. उस टाइम की बात है, 1928 में कौन कैप्टन था? लाल शाह, बुखारी, ध्यानचंद, कृष्ण लाल और जयपाल सिंह. करेक्ट आंसर विल बी डी, जयपाल सिंह. जयपाल सिंह मुंडा वॉज द इंडियन हॉकी कैप्टन दैट टाइम. ही इज अ सोल लीडर ऑफ आदिवासी कम्युनिटी, पॉपुलरली नोन एज मारंग गोमखे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और कैप्टन थे इंडियन नेशनल हॉकी जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में. नेक्स्ट आपका बाल्टिक कप इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन. बाल्टिक कप, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है. बाल्टिक कप जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है फुटबॉल के रिगार्डिंग. बाल्टिक कप इज इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन कॉन्टेस्टेड बाय द नेशनल टीम ऑफ बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया. फिनलैंड हैज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एज अ गेस्ट ट्वाइस इन दिस गेम. ठीक है, ये देख सकते हो बाल्टिक कप. बाल्टिक कंट्रीज ऊपर वाले आपकी जो नॉर्वे, फिनलैंड वाली जो कंट्री, इनको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है. हुक पास इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? हुक पास, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल. हुक पास, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टाइम लो उसमें 2-3 सेकंड का, फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बास्केटबॉल. ठीक है, हुक पास, इमेज देख के आप समझ गए होगे शायद हुक पास क्या होता है. चलिए नेक्स्ट है, डबल फोल्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? रग्बी, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल. उसके बाद है लोना इज द टर्म एसोसिएटेड विद विच गेम? खो खो, कबड्डी, लॉन टेनिस एंड बैडमिंटन. करेक्ट आंसर फॉर अबव क्वेश्चन इज योर टेनिस. डबल फोल्ड जो है टेनिस के अंदर होता है. ठीक है, टू कंसेक्यूटिव फोल्ड्स ड्यूरिंग सर्विस, उसको डबल फोल्ड बोल देते हैं. लोना जो है ये आपका रिलेटेड है आपका कबड्डी से. ठीक है, चार पॉइंट्स आर गिवन व्हेन होल टीम इज आउट और उसको लोना बोलते हैं. ठीक है, मतलब जैसे चारों बंदों को टच करके हम अगर लाइन के ऊपर हाथ लगा देते हैं तो उसको लोना बोलते हैं और सारे के सारे बंदे जो है आउट हो जाते हैं. वुमन हु वन फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक्स इन इंडिया वॉज? मैरी कॉम, ज्वाला गुट्टा, कर्णम मलेश्वरी, साक्षी मलिक. तो मैंने आपको बताया था करेक्ट आंसर इसका है कर्णम मलेश्वरी. वेटलिफ्टिंग में इनको 2000 के अंदर जो है सिडनी ओलंपिक्स में जो है मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था. साक्षी मलिक को 2016 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है रियो ओलंपिक्स के अंदर. और मैरी कॉम जो है ये भी काफी प्रोमिनेंट खिलाड़ी रही, इनको भी शायद ओलंपिक का मेडल मिला है, नॉट श्योर, आप एक बार चेक जरूर करना. नेक्स्ट है पुगलिस्ट इज द टर्म यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? आइडेंटिफाई द गेम. हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, बिलियर्ड्स. हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन 400 मीटर रेस? 6, 8, 10 or 12. ये आपको पूछा गया है. तो पुगलिस जो है वो बॉक्सिंग के अंदर यूज किया जाता है. पुगलिस का मतलब होता है प्रोफेशनल बॉक्सर. ठीक है, और कितने हर्डल होते हैं 400 मीटर की रेस में? आपका ऑप्शन सी 10 होते हैं. ठीक है, कैसे? 45 मीटर के उस पर पहला आपको मिलेगा देखने को, फिर दूसरा 30, 30, 35 के मीटर के, और लास्ट में आपका फिनिश लाइन से 40 मीटर पहले जो है खत्म हो जाता है. ओवरऑल जो है 400 मीटर का लैप होता है. व्हेन वाज मॉडर्न ओलंपिक स्टार्टेड? दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना है. 1896 और 1996. 1986 तो अभी गया है, जस्ट 30-40 साल पहले. ये तो 100-125 साल से चल रहे हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. एथेंस ओलंपिक जो है पहली बार जो है 1986 में हुए थे 6 अप्रैल को. ठीक है, विच इंडियन मेड द नेशनल रिकॉर्ड इन लॉन्ग जंप? अंकित शर्मा, देवेंद्र झाझरिया, अंजू बॉबी जॉर्ज एंड नयान जेम्स. तो अंकित शर्मा ने जो है नेशनल रिकॉर्ड बनाया लॉन्ग जंप के अंदर. अंजू बॉबी जॉर्ज है, ये भी एथलेटिक्स से रिलेटेड है. और देवेंद्र झाझरिया जो है पैरालंपियन है, और इस बार शायद इनको जो है सिल्वर मेडल जो है मिला है पैरालंपिक्स टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर. राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? मैन, गोल्फ, सोकर, बैडमिंटन और बास्केटबॉल. सोकर जो है इसको फुटबॉल को ही बोलते हैं आप. ठीक है, फुटबॉल को सोकर बोला जाता है. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? 1931, 1930, 1940, 1935. तो राइडर कप जो है वो मैन गोल्फ के रिगार्डिंग है, ये आप देख सकते हो. गोल्फ का मैंने बताया था आपको, छोटी सी बॉल होती है उसको मार के फेंकना होता है दूर, एक छोटा सा गड्ढा होता है इतना सा बस उसके अंदर डालना होता है. ठीक है, तो मैन गोल्फ के रिगार्डिंग है राइडर कप आपका. और ये हम ऑलरेडी सारे ना पढ़ चुके हैं, अगर आपको डाउट है तो दोबारा जाकर एक बार जरूर देखना. इन विच ईयर द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? तो बी ऑप्शन है 1930 के अंदर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था मोंटेविडियो में, यूरुग्वे के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट आपका थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? अभी हमने क्वेश्चन किया था थॉमस कप के रिगार्डिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस. चेस को आप एलिमिनेट कर सकते हो इजिली. ठीक है, उसके बाद आपका चार कप बताए देना. थॉमस कप था एक तो आपका उसमें. ठीक है, बताइए अब दोबारा से, चार कप में कौन कौन से कप थे वो जो इंपॉर्टेंट है? मैन वुमेन वाला कंसेप्ट जिसमें लगा था. ठीक है, इंडिया वन फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन विच ईयर? ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बैडमिंटन. थॉमस कप जो है ये खेला जाता है बैडमिंटन के लिए. इंडिया ने पहला मेडल जो है 1928 में हॉकी के अंदर जीता था, जो कि एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे. नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और 1928 में ही ओलंपिक्स हुए थे.
नेक्स्ट आपका जीव मिल्खा सिंह एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, वॉलीबॉल, गोल्फ, एथलेटिक्स एंड हॉकी। जीव मिल्खा सिंह जी जो है, अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, जीव मिल्खा सिंह जी अलग है और आपके जो फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह जी अलग है, ये उनके बेटे हैं और ये गोल्फर है। ठीक है, याद रखने का भी, जल्दीबाजी में लगा के एथलेटिक्स लगा, दोनों ने ऑप्शन इसलिए ही डाला था कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, जे मिल्खा सिंह इज अ प्रोफेशनल गोल्फर। ठीक है, गोल्फ में यानी छोटी सी बॉल को दूर से मार के गड्ढे के अंदर डालना, उसको गोल्फ बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द सिनमिन इन द आइस हॉकी गेम, पेनल्टी बॉक्स, हॉकी स्टिक्स, डस्टबिन और रेस्ट रूम। सिनमिन जो है आपका पेनल्टी बॉक्स होता है, इस तरीके का एक बॉक्स होता है, जब भी कोई फाउल या पेनल्टी मिलती है तो इस बॉक्स के अंदर जाके जो है प्लेयर बैठ जाता है, उसको सिनमिन बोलते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करना एग्जाम से पहले। और चार चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको जो है आप जरूर करना। पहली चीज तो है टर्म्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स, सेकंड है आपका नंबर ऑफ प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड है आपका ट्रॉफीज स्लैश कप, और फोर्थ है आपका इसमें टर्म यूज होगी, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा नंबर ऑफ प्लेयर से, और ये टर्म ट्रॉफीज से हो गया आपका, तीन चीजें और एक क्या था, हाँ ग्राउंड के नाम को क्या बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड के नाम को, जैसे क्रिकेट के अंदर पिच यूज होती है और बॉक्सिंग के अंदर रिंग यूज होती है, इस तरीके से ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जो है दो तीन बार रिवाइज करके जरूर जाए। और किसी सब्जेक्ट पे ध्यान दो या ना दो, लेकिन स्पोर्ट्स जो है आपको एटलीस्ट प्लीज रिक्वेस्ट है दो से तीन बार जरूर करके जाए, यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, तीन चार क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।